हाय, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फोर्थ का नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। गाइस, इस मंथ के लिए रियली वेरी सॉरी क्योंकि वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मेरी कुछ तबियत इश्यूज, मेरे कुछ कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, ठीक है। बट इस मंथ में मैंने आज सब सॉल्व आउट कर लिया है। कल से सारी चीजें जो है रेगुलरली ऑन टाइम रहेंगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड प्लीज, अभी तो आप लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है। 3-4 चैप्टर्स बचे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट वीक तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोब्स क्या होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज किए जाते हैं, हम सारी चीजें आज के टॉपिक में ही क्लियर करेंगे। एंड आई विल ट्राई कि मैं जो है आज ही सब कुछ खत्म कर दूं, ये चैप्टर आज फिनिश कर दूं, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है, बट ट्राई करते हैं। माइक्रोब्स आर द डाइवर्स प्रोटोजोआ हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंगाई हुआ, माइक्रोस्कोपिक जो भी प्लांट वायरस हुए, वेरेनॉइड्स हुए, प्रॉन्स हुए, ये सब क्या है, माइक्रोब्स में आते हैं। माइक्रोब्स लाइक ए बैक्टीरिया एंड फंजाई, और वो कहाँ ग्रो करता है, एक न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करता है और कॉलोनी फॉर्म करता है। ये एक न्यूट्रिएंट मीडिया है, इसमें ग्रो करेगा और कॉलोनी फॉर्म करेगा, और आप अपनी उसको नेकेड आई से विजिबल नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, एंड कुछ जो होते हैं वो ह्यूमंस के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं, ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने आपको बोला माइक्रोब जो है वो कॉलोनी ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया मीडियम न्यूट्रल मीडिया में ग्रो करते हैं, कॉलोनी फॉर्म में ग्रो होते हैं, तो वो इस टाइप में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। ये पेट्री डिश प्रेजेंट होती है, इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन डालते हैं, देन यहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है। अब माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एनीवे, हर जगह माइक्रोब प्रेजेंट है, लाइक ए थर्मल वेंट जहाँ पे अबव टेम्परेचर इज 1000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डीप सॉइल में, अंडर स्नो में, डिजर्व प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इन सब जगह पे प्रेजेंट है। यूजफुल क्या है, एंटीबायोटिक जो होती है वो हमारे लिए यूजफुल होती है, और हार्मफुल में हमें डिजीज कॉज करते हैं। अब माइक्रोब्स हमने ये बता दिए भाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो सेकेंड थिंग्स इज कि माइक्रोब जो होते हैं वो हाउसफुल प्रोडक्ट में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज में ले आते हैं, मतलब घर की चीजों में हम कैसे यूज में ले सकते हैं। तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल और बहुत नॉर्मल चीज जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, दूध से दही बनना, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है और देन उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको हम LAB भी बोलते हैं, जो मिल्क के अंदर ग्रो करता है और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ए लैक्टोबैसिलस एंड द अदर कॉमनली कॉल्ड इज ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन ए मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्रोथ जो LAB है, मतलब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, वो प्रोड्यूस करता है एसिड को एंड दैट कॉन्गुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, ठीक है। ये इम्प्रूव भी करता है अपनी न्यूट्रिशनल एक्टिविटी को, अगर हम इंक्रीज करें विटामिन B12 की क्वांटिटी को, अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये ऑब्वियसली अपनी न्यूट्रिशनल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इन अवर स्टोमक, हमारे पेट में जितना भी LAB प्ले करता है एक बेनिफिशियल रोल, उसका क्या है, वो चेक करता है डिजीज को और कॉजिंग द माइक्रोब्स, ओके। द डो विच इज यूज फॉर द ब्रेड, जो भी डो होता है, जो हम गूंथते आटा जो ब्रेड के लिए, पिज्जा के लिए या इन सब चीजों के लिए, के लिए जो हम डो गूंथते हैं या जो डो फॉर्म होता है वो फर्मेंटेड किया जाता है
बाय द यूजिंग ऑफ बेकर ईस्ट। ईस्ट उसके अंदर डाल के उस मैदे के, अगर हम ब्रेड डो बना रहे हैं तो ब्रेड में ईस्ट डाल के, या ईस्ट को वाटर, वार्म वाटर में थोड़ी देर के लिए छोड़ के, देन उसको उस आटे में डाल के जब हम डो फॉर्म करते हैं, तो मतलब वो डो जो है वो फर्मेंट हो चुका है, अब वो बनने के लिए तैयार है। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो मोस्टली साउथ इंडिया में प्रेजेंट होती है, साउथ इंडिया में ही बनती है, वहीं पे मिलती है। फर्मेंटिंग आस फ्रॉम द पाम, ठीक है, ये एक ड्रिंक होती है जो साउथ इंडिया के साइड, साउथर्न इंडिया में ही मिलती है। माइक्रोब्स आर द फर्मेंटेटेड चीज में यूज किया जाता है। लार्ज होल इन द स्विस चीज जो है आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ सीओ टू बाय द बैक्टेरियम नेम, जिस बैक्टेरियम को हम क्या किस नेम से प्रोनाउंस करते हैं, दिस नेम इज प्रोपिनोबैक्टेरियम शर्माइनी, ठीक है, ये एक ये इसको बोल रहे हैं, ये इसका वैसा बैक्टीरियल पिक्चर है, बट इस चीज की बात कर रहे हैं क्योंकि इस स्विस चीज के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े होल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, लार्ज अमाउंट में CO2 जो है वो प्रोड्यूस होता है, इस वजह से ये इस टाइप से दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है ये राइप हो जाती है, पक जाती है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक फंगस जो होती है उसकी ग्रोथ हो जाती है फॉर ए पर्टिकुलर फ्लेवर। ये इस चीज की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर फंगस ग्रोथ हो जाती है, वो फंगस ग्रोथ ग्रो करती है, राइपिंग वर्ड राइप हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लेवर की हमको नीड होती है। ठीक है, अब जैसे हमने ये पढ़ा कि हाउस होल्ड थिंग्स में कैसे माइक्रोब्स की नीड है, अब हम उसमें पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल यूजेस में हमें माइक्रोब्स की क्यों नीड होती है। ठीक है, तो गाइस ये सारा आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट, ये सब साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये सब कुछ हम कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्शन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल, गाइस एक जस्ट अ मिनट, एक सेकंड गाइस, नो इशू, जाने दीजिए, एक सेकंड गाइस, मैं वाटर ले लूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या यूज है, कि कैसे ये यूज किया जाता है। प्रोडक्शन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब की जो ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहां पे बहुत बड़े बड़े वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ग्रो कराया जाता है, जिसको हम लोग फर्मेंटर बोलते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ ए इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ए ग्रोइंग ए माइक्रोब्स इन ए वेरी लार्ज स्केल, एक बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे उसको ग्रो कराते हैं, जिसको हम लोग मेनली फर्मेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ फर्मेंटर होते हैं, या तो ब्रीवेजेस फर्मेंटर हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, पेंसिलिन वगैरह, इन सब चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। तो फर्स्टली आता है ईस्ट के फॉर्मेशन में, देन बियर एंड वाइन के फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो ईस्ट के लिए ब्रेड मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, मेनली ब्रेड का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसमें जो भी सीरियल होते हैं उनको फर्मेंट किया जाता है, एंड फ्रूट जूस को यूज किया जाता है, जिससे क्या प्रोड्यूस हो, उससे प्रोड्यूस होता है इथेनॉल। वाइन एंड बियर जो होते हैं वो प्रोड्यूस क्यों होते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन के होते हैं, एंड वेयर एज जो विस्की और ब्रांडी और रम जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं डिस्टिलेशन वाली हेल्प से ऑफ द फर्मेंटेड ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे ये
प्रोसेस है, और नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में जो माइक्रोब्स का यूज होता है वो सेकेंड है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या है, एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस है विच आर प्रोड्यूस बाय द सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स की वजह से ही प्रोड्यूस होता है, और कैन किल एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। पेंसिलिन जो थी वो फर्स्ट माइक्रो एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर की गई थी, डिस्कवर्ड एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने इन्होंने ही उस पे काम किया था, उस स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पे काम किया था, और उन्होंने ही ऑब्जर्व किया था मॉल्ड के ग्रोइंग को, ठीक है। एंड वन ऑफ दिस अनवॉश कल्चर प्लेट एंड अराउंड विद दिस स्ट्रेप्टोकोकाई कुड नॉट बी ग्रो। उन्होंने ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस बाय दिस मोल्ड एंड इट इज नेम्ड इज ए पेंसिलिन, एंड आफ्टर द मोल्ड इज ए पेंसिलिनियम नॉक्टम। लेटर उसके बाद चेन ने एंड हार्डवुड ने इसको फाइनल फुल पोटेंशियल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक ग्रो करी, एंड थैंक्स टू द पेंसिलिन ही विल कम द होम। बहुत चीजों में हमको हेल्प की है पेंसिलिन ने, पेंसिलिन और ये एंटीबायोटिक्स तो भाई हमारी लाइफ के एक सपोर्टर ही है। ठीक है, ठीक है, कुछ केमिकल, कुछ एंजाइम और कुछ अदर बायोकेमिकल बायो एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स है, लाइक फंगस के लिए एस्पिरगिंस होती है जो सिट्रिक एसिड है, ठीक है, एक्टिनोबैक्टर इज ए एसिटिक एसिड, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम जो है इज ए बैक्टीरियम, ये भी एक एसिड है, लैक्टोबैसिलस इज ए बैक्टीरियम इज ए लैक्टिक एसिड, ठीक है, एंड लास्ट इज ए इथेनॉल। एंजाइम जो लाइपेज है वो यूज किया जाता है लॉन्ड्री डिटर्जेंट की हेल्प के लिए यूज किया जाता है, पैक्टिनेज एंड प्रोटीनेज जो है वो यूज किया जाता है बॉटल जूस में, जो भी ये बॉटल जूस है इनमें यूज किया जाता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम जो है वो यूज करते हैं क्लॉट ऑफ बस्टर, मतलब कोई भी क्लॉट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्राइकोडर्म जो रहता है फंगी वो यूज किया जाता है इम्यूनो सेपरेटिव एजेंट की तरह किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में, ठीक है, ये यूज करा जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग एजेंट की तरह, ठीक है। माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको बोलते हैं या सीजमेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट अगेन डिवाइड होता है गाइस प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट पे प्राइमरीली फिजिकल रिमूवल किया जाता है पार्टिकल्स का, किसमें से, सीवेज में से, या तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से या सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से। और आई थिंक आप लोग 12th क्लास में आप लोग को इतना नॉलेज तो होगा कि सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है और सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है। सेकेंड इज अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक है एरिएशन जो है या एक्टिवेटेड सर्ज है या एनएरोबिक सर्ज जो डाइजेस्टर है उसमें हेल्प किया जाता है। तो ट्रीटमेंट करे वेस्ट वाटर का या वेस्ट वेस्टर का इज डन बाय द हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब जो नेचुरली प्रेजेंट है इन द सीवेज, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। एंड दिस ट्रीटमेंट कैरिड आउट इनटू द टू स्टेजेस, दो स्टेजेस में ये प्रोसेस जो होता है वो कैरी किया जाता है। तो पहला स्टेज इज फिजिकल प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज ए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा प्लांट होता है जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है, ये एक पूरा प्रोसेस है जो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ए प्राइमरी एंड ए फिजिकल ट्रीटमेंट, इट्स इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ द पार्टिकल, जो भी सीवेज के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है उनको फिजिकली रिमूव करना। तो उसमें क्या प्रोसेस यूज किए जाएंगे, आप खुद तो जाके आप रिमूव आउट नहीं करोगे क्योंकि इतने बड़े बड़े उसके कंटेनर्स हैं,
ठीक है, इतना लार्ज स्केल में वो प्लांट चल रहा है, तो उसके लिए प्रोसेस यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन का और सेडिमेंटेशन का। ठीक है, अब सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या है, आप फ्लोटिंग ड्रिप्स के थ्रू रिमूव करें, एंड सेडिमेंटेशन में आप रिमूव करो गिट्स को, सॉइल को, या कोई स्मॉल बबल्स वगैरह है उनके थ्रू रिमूव करो। ठीक है, ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द एवेंट। जो भी प्रेजेंट है प्राइमरी सीडलिंग टैंक में वो टेकन किया जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखो फर्स्टली क्या होता है, ये रॉ सीवेज है, ये स्क्रीन में आया, यहाँ से कम्यूनेटर में गया, फिर प्राइमरी कैलिफायर में गया, ग्रिट चैम्बर, यहाँ से डिस्पोजल के थ्रू कुछ चीजें डिस्पोज हो जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा, रॉ जितना भी प्राइमरी सर्ज या प्राइमरी है वो यहाँ की तरफ चलेगा जो एरिएशन टैंक में आएगा। अब यहाँ से ये जितना भी वर्क है ना जो एरिएशन टैंक में जा रहा है या प्राइमरी एफर्ट से होता हुआ उस तरफ जा रहा है, वो सब जो है वो सब काउंट होता है किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में काउंट होगी। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरिएशन टैंक में आएगा, एयर कंप्रेसर के थ्रू होता हुआ रिटर्न भी हो सकता है स्लज, बट एरिएशन टैंक से सेकेंडरी क्लियर फाई में जाएगा और फिर डिस्चार्ज हो जाएगा सरफेस वाटर पे और या किसी टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम क्या होता है, प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको पूरा बताती हूँ, अभी इजीली कंप्लीट हो जाएगा ये आज। तो जो भी प्राइमरी जो भी काम था वो पास होके किसमें आ गया, मतलब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था वो पास होके गया इस लार्ज एरिएशन टैंक में आ गया, और उसने अलाउ करा कि उसके अंदर जो है माइक्रोबियल एनारोबिक एरोबिक माइक्रोबियल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। जब वो प्रॉपरली ग्रो कर गए तो ये माइक्रोब जो है वो कंज्यूम कर जाएंगे मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जो भी इसके अंदर मेजर पार्ट में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब खत्म कर लेते हैं, एंड द सिग्निफिकेंटली वो रिड्यूस करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। ठीक है, बीओडी मेजर जो है ऑर्गेनिक मैटर का वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर वेस्ट वाटर के अंदर बीओडी इंक्रीज हो जाता है तो इट्स मोर टू द पॉलिटिंग पोटेंशियल। ठीक है, वंस द जब बीओडी सीवेज वाटर के अंदर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, कम होता जा रहा है उसका लेवल, तो सिग्निफिकेंटली वो पास हो जाता है इनटू द सेटलिंग टैंक में, टैंक के अंदर, और वेयर द बैक्टीरिया आर द अलाउड टू सेडिमेंट, एंड दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एज ए एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, जो भी स्मॉल पार्ट में स्लज है इस पंप बैक हो जाएगा इनटू द एरिएशन, एरिएशन के थ्रू पंप बैक हो जाएगा एरिएशन टैंक में एंड टू सर्व एज ए इनोक्युलम। ठीक है, रिमेनिंग जितना भी पार्ट बचा है मेजर पार्ट जो भी स्लज का वो पंप हो जाएगा इनटू द बड़े टैंक में जिनको हम एनारोबिक में कन्वर्ट कर। ठीक है, ड्यूरिंग द डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोसेस के टाइम में बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, के अंदर बहुत सारी गैस मिक्स हो जाएंगी, जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एंड दीज गैस ऑल्सो फॉर्म ए बायोगैस, और ये गैसेस क्या फॉर्म करेंगी, बायोगैस फॉर्म करेंगी। तो जो भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट है वो जनरली रिलीज करेगा इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज में, रिलीज होगा जैसे रिवर या स्ट्रीम में उसको रिलीज किया। ठीक है, तो माइक्रोब जो होते हैं प्ले करते हैं अपना मेजर रोल, बहुत भयंकर रोल प्ले करते हैं ट्रीटिंग द मिलियंस ऑफ गोलन एंड द वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोबल। टिल द डेट आज के टाइम तक कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं एबल हो पाई है कि वो माइक्रोबियल जो भी सीवेज ट्रीटमेंट का माइक्रोबियल ट्रीटमेंट कर पाए। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है इनिशिएटेड गंगा गंगा एक्शन प्लान, उन्होंने ये प्लान स्टार्ट किया था गंगा एक्शन एंड यमुना एक्शन प्लान, जो उन्होंने सेव किए थे द दीज मेजर रिवर ऑफ द कंट्री फॉर द पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गंद होता है सबसे ज्यादा गंदगी फैलती है। ठीक है, अंडर दिस प्लान, इस प्लान के बाद इट इज ए प्रपोज्ड टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट, इस प्लान के बाद उन्होंने वहां पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को
लगाया प्लांट किया सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में भी डिस्चार्ज, इसे खाली ट्रीटेड सीवेज जो है वही डिस्चार्ज हो सके रिवर के अंदर, फालतू कूड़ा कंकड़ा ना जाए। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गैस, गैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या यूज है? बायोगैस ये मिक्सचर है गैसेज का जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू वो प्रोड्यूस होते हैं एंड विच मे बी यूज एज ए फ्यूल, और जिसको हम एज ए फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया है जो ग्रो करते हैं एनारोबिकली ऑन द सेलुलिक मटेरियल और जो प्रोड्यूस होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन में अलॉन्ग विद CO2 एंड H2। दीज बैक्टीरिया कलेक्टिवली हम उसको मिथोजन बोलते हैं या मिथोनम बैक्टीरियम बोलते हैं। ये बैक्टीरिया हमें प्रेजेंट होते हैं खास कहाँ होते हैं? रूमेन ऑफ द कैटल में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि लॉट ऑफ द सेलुलिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फूड ऑफ कैटल, इनके खाने में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है जिस ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन। रूमेन जो होता है ये बैक्टीरिया हेल्प करता है ब्रेक डाउन करता है सेलुलोज को और एक प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। द एक्सक्रीट डंक ऑफ द कैटल मतलब जो भी गाय का गोबर है कॉमनली उसको हम लोग गोबर बोलते हैं इज रिच इन दीज बैक्टीरिया, उसके अंदर बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत अच्छी प्रेजेंट होती है। गोबर को हम यूज कर सकते हैं जनरेशन ऑफ बायोगैस, इसलिए हम उसको गोबर गैस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज ए बायोगैस प्लांट, कि बायोगैस प्लांट क्या है? तो ये टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की। इट्स डेवलप्ड इन विच द मेनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम लोग IARI भी बोलते हैं या खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन जिसको हम KVIC भी बोलते हैं। तो जो भी बायोगैस प्लांट होते हैं द कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक, इनके पास टैंक प्रेजेंट होते हैं इन विच जिसके अंदर हम बायो वेस्ट जो है वो कलेक्ट करते हैं एंड देन उसमें वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देखिए ये गैस होल्डर है, ये पूरा मिक्स टैंकर है, ये ओवरऑल फ्लो हो रही है चीजें। तो बायोगैस इज ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी व्हिच हैड टू राइजिंग ए गैस इज प्रोड्यूस्ड, गैस प्रोड्यूस होती है टैंक में ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी, उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। बायोगैस प्लांट हैज ए आउटलेट, एक आउटलेट प्रेजेंट होता है जिस इज कनेक्टेड टू द पाइप, एक पाइप से कनेक्ट होता है और वो सप्लाई होती है बायोगैस की, वहां से बायोगैस की सप्लाई की जाती है जहाँ पे नियर बाय घर होते हैं वहां पे उनके नियर उनमें उस एरिया में जो है वो सप्लाई की जाती है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू द अनदर आउटलेट, उसके पास एक दूसरा आउटलेट होता है जहां से हम रिमूव करते हैं और इट मे बी यूज एज ए फर्टिलाइजर, हम इसको फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर द कुकिंग एंड लाइटिंग, और ये बायोगैस जो होती है वो हमारी किस चीज में हेल्प करती है? कुकिंग एंड द लाइटनिंग में हेल्प करती है। ठीक है, माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोलर एजेंट है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? पेस्ट एंड द डिजीजेस जो है, तो लेडी बर्ड जो है वो भी कंट्रोल करती है एंड ड्रैगन फ्लाई जो है वो मॉस्किटो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ट्राइकोडोमा एक फंगी होती है जो खाली इसका मेन वर्क क्या होता है? ठीक है, ट्राइकोडर्मा जो होता है वो फंगी है, वो प्रोटेक्ट करता है रूट सिस्टम को और कंट्रोल करता है प्लांट पैथोजन को। ठीक है, बैकुलोवायरस जो होता है उसका मेन क्या है? वो वायरस जो होता है वो अटैक करता है इंसेक्ट्स पे या जो भी दूसरे ऑर्थोपोड्स होते हैं उन पे। बीटी कॉटन जो होता है वो कंट्रोल करता है वाइड रेंज ऑफ द इंसेक्ट्स। गाइस
2 minute, hold on please. Next is a microbe as a bio fertilizers वगैरह. Fertilizer are the organism that enrich in the nutrient quantity or quality of the soil. The main source of bio fertilizer are the bacteria, fungi and the cyanobacteria. ठीक है, तीन main source होते हैं bacteria, fungi and cyanobacteria. Bacteria में आता है symbiosis, इसमें rhizobium जो root nodules में present होते हैं of leguminous plant. फ्री लिविंग होते हैं इन द सॉइल, सॉइल के अंदर आराम से घूमते हैं. तो इज अ राइजोबियम एंड दिस इज अ एग्जेक्टोबैक्टर, पीबीएस ब्लू ग्रीन एल्गी एंड स्पाइरम. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बायो फर्टिलाइजर के एंड बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिजम्स के. नेक्स्ट इज अ फंगी. फंगी इज क्या, सिम्बायोसिस, जो कहाँ प्रेजेंट होता है रूट में और उसका काम क्या होता है, जो भी ग्रेनुल्स वगैरह या जो भी वो एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को और जो भी वाटर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर जो प्लांट ग्रोथ में वर्क कर रही है उसको एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इज अ सिम्बायोसिस. ठीक है, एंड फ्री लिविंग एनिमल है. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इजिली मूव आउट कर सकता है. ठीक है, ये सारी चीजें इसमें. तो गाइज आई थिंक अब आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है. अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ बचता है तो मैं ऑब्वियसली कल की क्लास में उसको ले लूंगी, बट होप सो शायद कुछ बच्चा नहीं होगा. मैं एक बार चेकआउट भी कर लेते हैं. आई थिंक कुछ नहीं बचा है क्योंकि चैप्टर के अंदर मेन यही चीजें थी और आपके सिलेबस में क्या है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. आपके सिलेबस में था माइक्रोब्स इन फूड, देन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बता दिया, सीवेज ट्रीटमेंट बता दिया, बायो फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन वगैरह आपको क्लियर है. ठीक है, अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे. पहला स्टार्ट होगा बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एंड देन आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी. अगर किसी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा. किसी को नोट्स चाहिए, किसी को टेलीग्राम पे कोई इश्यूज है टेलीग्राम पे नोट्स चाहिए, या कहीं आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व आउट हो जाएगी. आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए. एंड सेकेंड थिंग, आज तक जो भी अभी बीच में गैप्स आए हैं वो अब नेक्स्ट कल 1 अगस्त से कोई भी गैप नहीं आएंगे. इस मंथ में थोड़े इश्यूज ज्यादा हो गए, हेल्थ इश्यूज वगैरह वो सब सॉल्व आउट हो गए हैं. तो अब नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट डे से, मतलब 1 अगस्त से कोई भी इशू कुछ भी नहीं है. कल से एक नया प्रॉपर डे स्टार्ट किया जाएगा. ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ. आई थिंक आप सबको क्लास सब कुछ क्लियर होगा और सारे टॉपिक्स कवर आउट हो चुके हैं इस चैप्टर के. अगर तो भी कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर. बाय बाय बाय. एंड लास्ट थिंग इज कि प्लीज सब्सक्राइब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, वो जरूर कर लीजिएगा. और जो इसके नोट्स हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी को एज ए नोट्स यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हर चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है, जो भी आप लोगों को चीजें चैप्टर में नीड है. अगर तो भी आपको कुछ नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप अपनी बुक और इसका यूज लेकर भी आप इजीली से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर आपको तब भी की नहीं है मैम, आप ही हमें नोट्स प्रोवाइड कर दिए तो प्लीज आप लोग मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी. मैं नोट्स कहीं ना कहीं से आपको बना के अरेंज करके दिलवा दूंगी. ठीक है, तो लास्टली यहाँ पे आके चैप्टर पूरा फिनिश है. अगर नहीं कोई बात कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज क्लियर कर लीजिएगा. और बाकी आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं बचा है नोट्स के. अगर आपको नीट पढ़ सकती है, अगर नहीं भी, आई थिंक इतनी भी कुछ नहीं दिक्कत होगी क्योंकि मेन इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो आपको पूरा ही
एक एक पॉइंट में मैंने क्लियर करा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और अगर थोड़ा कुछ आपको खुद भी एड ऑन करना पड़े तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद बायोगैस प्लांट भी क्लियर है कि कैसे कौन सी चीजें यूज होती हैं, क्या गवर्नमेंट के क्या लॉ थे या गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये आपका है। और तीन जो आपके मेन माइक्रोबियल एजेंट्स है वो आप लोगों को बताया, जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है वो मैंने आपको मेन दो तो बता ही दिए हैं। बाकी आपको पता है बेसिलस हो गया, बीटी कॉटन जैसे हो गया, या बैकिलो वायरस हो गया, या ट्राइकोडर्मा फंगी हो गया, ये सारे आपके उसके ही हैं। जैसे इंसेक्ट फीडिंग ऑन द वायरस कंटिमेटेड फॉलिएज, और क्लोजअप लिया जाएगा देन ओबी बॉडीज के थ्रू द ल्यूमेन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, वायरस पार्टिकल जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं थ्रू द ओबी एंड अट्रैक्टिंग टू द फ्लश ब्लैंडर ऑफ द गट सेल एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस इन द इंसेक्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वायरस के भी कलर शो हो रहे हैं कि हमने वायरस को किससे सिंबलाइज किया है, न्यूक्लियस को किससे सिंबलाइज किया है, गट क्या है, प्लांट्स को किससे सिंबलाइज किया है, तो आप वो इजिली देख सकते हैं। आई होप आपको अब सारे पॉइंट सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप ऑल आर गुड। प्लीज 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 वीडियोज को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करना, आपको अच्छे लगे बुरा जैसा भी लगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ दी स्टूडेंट, एंड थैंक यू।